हेलो, जय श्री महाकाल। सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ बात बता रहा हूँ जो है संकटा योगिनी के बारे में। ये एक जन्म कुंडली से संबंधित हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में योगिनी दशा के बारे में अगर कोई आपको ज्ञान बताता है या आपको स्वयं को ज्ञान है, तो उसमें संकटा योगिनी के बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे संकटा योगिनी के बारे में। उससे पहले आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते अपने टॉपिक की ओर। संकटा योगिनी, जन्म कुंडली में योगिनी दशा 8 बताई जाती है। वैसे 64 योगिनी योगिनी या योगिनी का बताया जाता है, कहीं कहीं 84 का बताया जाता है, लेकिन जो कुंडली होती है उसमें 8 योगिनियों के बारे में बताया जाता है। और कुंडली में योगिनी दशा की बात करें तो योगिनी दशा में सबसे खतरनाक दशा होती है वो संकटा योगिनी की, यानी नाम से ही संकटा यानी संकट पैदा करने वाली होती है। और सबसे ज़्यादा वर्ष तक चलने वाली यही योगिनी दशा है संकटा योगिनी, जो लगभग 8 वर्ष न्यूनतम होती है उसकी दशा, 8 वर्ष चलती है। और 8 वर्ष में इंसान का जन्म इतना उसका जीवन ने उथल पुथल करती है कि उसके बारे में अपने को पता ही नहीं चलता कि ये हो रहा कैसे है। आप कितनी भी कहीं भी साधनाएं करवाओ, देवी देवताओं जाओ, मंदिरों में जाओ, दान करो, कुछ भी करो, लेकिन इसके बारे में अगर कोई किसी को बता नहीं सकता या नहीं बता या पता नहीं है तो इंसान बर्बाद हो जाता है। और ये मेरे खुद के अनुभव है, मैं इस स्थिति से गुजरा हुआ हूँ और मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी ली है, तब जाके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी क्या दशा होती है। ठीक है, संकटा योगिनी की दशा जन्म कुंडली में 8 वर्ष चलती है। शायद जन्म के 2 वर्ष बाद में ही शुरू क्यों ना हो, और 20 वर्ष बाद में भी शुरू हो सकती है और 50 वर्ष बाद में भी हो सकती है। और लगभग ये इंसान के 20 वर्ष के बाद में कभी भी शालरु होती है। ठीक है, उसका प्रारंभ होने का ये समय होता है। और उस समय ज़िंदगी में उथल पुथल काफ़ी होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसों की बर्बादी होती है, कई कोर्ट कचहरियों का चक्कर काटने पड़ते हैं, पारिवारिक जीवन होता है वो एकदम विचलित हो जाता है, घर वालों से झगड़े होते, बच्चों से होते, परिवार में मियाँ बीबी से झगड़े होते, मतलब किसी से कुछ न कुछ अनेक होता रहता है। एक समस्या को मिटाएंगे दूसरी तैयार रहती है दूसरे दिन। अगर एक दिन आपका सही निकला तो तीसरा दिन नहीं निकलेगा सही। इसमें ये संकटा योगिनी की दशा होती है, बहुत खतरनाक होती है। तो आप अगर इसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी चाहते हैं तो अगर आपकी जन्म कुंडली है तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर आप उसमें आपको देखना नहीं आता या आपके पास में जन्म कुंडली बनी हुई नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, आपकी 4 चीज़ें मुझे भेज दीजिए, मेरे कमेंट में भेज दीजिए, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगा। ठीक है, जहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा और वहाँ पे आप मुझे 4 चीज़ें आपके भेज दीजिएगा। मैं आपकी योगिनी दशा कब से शुरू हो रही है आप बताना सही। उसमें एक तो आपका नाम होना चाहिए, एक आपकी जन्म तारीख होनी चाहिए, तीसरा आपका जन्म का समय होना चाहिए और चौथा आपके जन्म का स्थान होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आप मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके योगिनी दशा कब से शुरू हो रही है और उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, ज्योतिष परामर्श की मैं इसमें इस वीडियो में केवल योगिनी दशा संकटा योगिनी के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं आप जो भी भेजोगे उसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा। ज्योतिष परामर्श के अनुसार केवल संकटा योगिनी दशा ही बताऊंगा। जो आप अगर ये 4 चीज़ें भेजते हो तो आपका नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान, 4 भेजते हो तो आप, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक वगैरह दे दूंगा जहाँ से आप अगर पेड है तो उसमें पेड करके
जो न्यूनतम शुल्क होगी उसका पेड करके आप ये भेज दीजिए। आपको मैं पूरी जानकारी उसके बारे में दूंगा, उसके क्या उपाय है वो आपको बता दूंगा। उसको पहले से अगर किसी के 2 साल अगर आने में ये संकटा योगिनी दशा आने में अभी 2 साल है, किसी के 10 साल है, किसी की चल रही है, तो उसके संबंधित जो भी उपाय है वो भी मैं बता दूंगा। उसके कोई मंत्र जाप है तो भी बता दूंगा, कोई जो भी अन्य कोई होगा वो सब बता दूंगा, ठीक है। और साइड में कोई अगर एक आध कोई ऐसा दूसरा कोई प्रश्न होगा तो उसकी भी मैं जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे भेज दीजिएगा। संकटा योगिनी बहुत ही मतलब ख़तरनाक है, ये बहुत विकट परिस्थिति पैदा करती है, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में मैंने खुद ने इस चीज़ से इस समय से गुजरा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि इससे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब मतलब आप अगर संकटा योगिनी जिसके ऊपर दशा चल रही है समझो उसका जीवन बर्बाद चल रहा है। वो उधर से देखेगा उधर से बाहर निकलेगा नहीं, उधर निकलने की कोशिश करेगा उधर से टांग खींची रहेगी, ये स्थिति बनी रहती है। तो आपको मैंने बता दिया कि संकटा योगिनी के बारे में अगर कोई जानकारी चाहता है तो अगर किसी को पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जानकारी भी दे दूंगा कब से शुरू हो रही है, क्या उपाय है, ये चीज़ बताऊँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अगले टॉपिक पर दूसरा वीडियो बनेगा। जय श्री महाकाल।